पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और अब एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम सेट्स के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि सेट्स कितने तरह के होते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ सेट। तो इसमें जो है सबसे पहले एम्प्टी सेट को देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एम्प्टी सेट यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो द सेट विच डजेंट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और इस सेट को हम नल सेट और वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। और इस सेट को हम जो है ये एक सिंबल होता है, इस सिंबल को ये सिंबल होता है तो इसको फाई बोला जाता है। तो इससे हम इस सेट को डिनोट करते हैं, और इस सेट को जो है हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा कर और उसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो ये जो है ये एम्प्टी सेट कहलाता है। तो इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, एग्जांपल है ए इज इक्वल टू एक्स इज सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। तो अब ये कह रहा है कि जो एक एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है और एक से छोटा है, और हम सभी को मालूम है कि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही एक से होते हैं, तो एक से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो वी नो डैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर लेस देन वन, देयरफॉर सेट ए कंटेन्स नो एलिमेंट एंड हैज इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक सेट है हमारे पास, सिंगलटन सेट। जैसे कि इसके भी नाम से ही पता लग रहा है कि सिंगलटन यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे कि हम कोई भी लिख के सेट उसके अंदर एक ही एलिमेंट लिखते हैं इसके अंदर, तो ये जो है सिंगलटन सेट्स होता है। जैसे मान लो जीरो ले लिया, फाइव ले लिया, माइनस सेवन ले लिया, सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर होता है इस सेट के अंदर, तो इसको तो बोला जाता है सिंगलटन सेट। और एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू एक्स इज सच डैट एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो और एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो यानी कि जो है ये एक्स जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और एक्स की वैल्यू जो है एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा। ये जब 8 इधर जाएगा तो ये माइनस एट हो जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस एट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि माइनस एट वो है। तो ये जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। अब एक आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। ये भी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनाइट सेट है, जिस मतलब मीन्स इसके अंदर एक डेफिनेट नंबर हैं एलिमेंट्स के, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोल देते हैं। जैसे अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो जो फाइनाइट सेट होता है वो उसके अंदर डेफिनेट नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स के। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, द सेट 1 2 3 4, जैसे कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर चार एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो ये जो है एक फाइनाइट सेट बोला जाएगा क्योंकि इसके अंदर नंबर्स डेफिनेट हैं। तो ये तो हो गया फाइनाइट सेट। अब इसके बाद ये जो कार्डिनल नंबर होते हैं, ये जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके नंबर को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाई एन ए, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सेट ए है -3, -1, -8, -10 और -13, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए, तो जो कार्डिनल नंबर होगा वो 5 होगा इसका, ठीक है। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी काउंटिंग को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक आता है इन्फिनाइट सेट। तो जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इन्फिनिटी तक है ये सेट, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्स जो है इन्फिनिटी हैं। तो अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इन्फिनिटी सेट, ठीक है।
when a set is infinity set, it doesn't possible to write all the elements within the brackets. हम brackets में लिख ही नहीं सकते numbers को infinity तक जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि ये number कहाँ तक हैं. तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे कि हम मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कुछ एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 ले लिया, दो तीन नंबर ले लेते हैं, और उसके बाद हम तीन डॉट्स लगा देते हैं और इसको हमने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये इन्फिनिटी सेट हो गया. मतलब कहने का मतलब 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है. तो ये तीन डॉट्स हम इसको लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं इन्फिनिटी सेट को, ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट, यानी कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम. यानी कि दोनों के एलिमेंट के जो नंबर्स हैं, वो दो एलिमेंट हैं मान लो ए और बी, और दोनों के जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स के दोनों के सेम हैं, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे. जैसे मान लो सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4. तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर चार चार एलिमेंट हैं, तो ये जो है दोनों सेट कहलाएंगे, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास एक सेट और आता है, उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट. तो इक्वल सेट क्या होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट. यानी कि उनके अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए बिल्कुल, जो सेट ए में एलिमेंट हैं वही बी में होने चाहिए. तो उसमें ऑर्डर चाहे उनका बदल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एलिमेंट वही होने चाहिए, तभी उसको इक्वल सेट बोला जाता है. और वी राइट इट ए इज इक्वल टू बी, तो और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जो ए के अंदर एलिमेंट हैं वही बी के अंदर एलिमेंट हैं. ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. अदरवाइज़ अगर मान लो उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे. अदरवाइज टू सेट्स आर टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए, और इसको काट देते हैं, तो ये इसका मतलब ये अनइक्वल सेट्स हैं. जैसे एग्जांपल ए में देखते हैं हम ए बी सी डी, ये तो ए सेट हो गया. अब एक सेट हमारे पास बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सी डी बी ए. अब इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया, एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हैं वही सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं. तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल सेट कहलाएंगे, और ए इज इक्वल टू बी इसको हम डिनोट कर देंगे. तो ये तो हो गया सेट्स के बारे में कि सेट्स कितने तरह के होते हैं. तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, वो इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी. तो अगली वीडियो में फिर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं पूरी, और तब तक के लिए थैंक्स. कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा. ओके, बाय.